हमीरपुर जनपद के राठ तहसील के अंतर्गत 15 वर्ष से अंधेरे में डूबी परा गांव की ये बस्ती। जी आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं परा गांव की बस्ती का पूरा हाल। जी हाँ, हमारी UP24 टीम परा गांव पहुंची, जहां पर ग्रामीणों से जाना इस बस्ती का हाल, जहां पर ग्रामीणों ने बताया कि करीब 15 वर्ष से इस बस्ती में अंधेरा पड़ा है। प्रशासन व विद्युत विभाग को जानकारी देने के बावजूद आज तक इस बस्ती को लाइट मुहैया नहीं हो सकी। अब सोचने वाली बात होगी कि इस तरह की भीषण गर्मी में लोगों ने 15 साल किस तरीके से गुजारे। आइए देखते हैं हमारे UP24 न्यूज़ के विशेष संवाददाता सीतू सेंगर की ये खास रिपोर्ट। आज UP24 की पूरी टीम पहुंची है एक ऐसे गांव में, जहां पे सबसे बड़ी बात ये है कि जहां पे उस गांव की आबादी 1800 लोगों की बताई जा रही है, जिसमें ताज्जुब की बात तो ये है कि जहां पे 1500 लोग बड़े चैन और सुकून से सोते हैं, बड़े आराम से, जहां लाइट की व्यवस्था है, वहीं पे एक ऐसा भी कुछ लोगों के परिवार है जहां पे करीब बताया जा रहा है 200 से 250 लोगों का परिवार, वो एक ऐसा परिवार है जहां पे वो 15 साल से लाइट का बल्ब देखने के लिए तरस गए हैं, पंखे की हवा लेने के लिए तरस गए हैं। कुछ ग्रामीण मेरे साथ खड़े हुए हैं, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कुछ ग्रामीण खड़े हुए हैं, और यहाँ पे हमारी मातृ शक्ति, जिसको कहा जाता है हमारी देश की मातृ शक्ति, यहाँ पे खड़े हैं, और ये छोटे छोटे फूल जिन्हें कि नाजुक फूल कहा जाता है वो भी खड़े हैं, वो इस आस में खड़े हुए हैं कि कब वो ऐसा कौन सा दिन आएगा जिस दिन हम अपने घर में कूलर और पंखे की हवा लेंगे। तो चलिए मैं सीधा बात करता हूँ उन ग्रामीणों से जो यहाँ पे खड़े हुए हैं। क्या नाम है आपका? पृथ्वीराज। पृथ्वीराज जी, आपके गांव में कब से विद्युत नहीं है? विद्युत 15 साल से यहाँ पे बस्ती बसी है, लेकिन यहाँ 15 साल से भी लाइट नहीं है। आखिर क्या वजह है जो 15 साल से यहाँ पे लाइट नहीं है? एक तो जो गांव था, उस गांव में जो लोग नदी किनारे रहते थे, मौदा डैम भरने की वजह से काफ़ी लोग पलायन यहाँ कर गए। किनारे था उनका मकान, तो सब डूब गए वो मकान, तो अब वो यहाँ उन्होंने बस्ती नहीं बसा ली। जब बस्ती नहीं बसा ली यहाँ पे, तो अब जब से उन्होंने 3 साल पहले खम्भे लगा गए, लेकिन आज तक किसी ने यहाँ ये ध्यान नहीं दिया कि ना लाइट के, बस खम्भे लगा गए, ना तार लगे, ना लाइट आई। और मेरे साथ और क्या नाम है आपका? शुगर सिंह। शुगर सिंह जी, बिना लाइट के ऐसी गर्मी में सोना कैसा लगता है आपको? बहुत दुर्लभ लगता है। बहुत दुर्लभ लगता हाँ। है बहुत कठिनाई होती है, और वहाँ लेंटर पे सोना पड़ता है, और बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। मोबाइल भी चार्ज नहीं होता है, कभी कभी 8-8 दिन मोबाइल स्विच ऑफ रहता है। जी हाँ, और हमारे साथ एक और है, शायद ये पूर्व प्रधान यहाँ पे है, मैं उनसे आपकी बात कराता हूँ। प्रधान जी, तो क्या आपने इस तरह से कोई कोशिश नहीं की जिस तरह से कि आपके गांव में लाइट आ सके? हाँ, खूब कोशिश की, विधायक को कहा और SDO को कहा, सबको कहा। क्या आश्वासन देते थे वो आपको? आ जाएगी बस। चलिए, ये थे ग्रामीण। अब मैं अपने कैमरामैन से चाहूंगा कि वो इस तरफ जहाँ पे हमारी मातृ शक्ति खड़ी है, मैं उनसे बात करता हूँ। अम्मा, आपके गांव में कब से लाइट नहीं है? 15 साल हो गए, बस्ती बस है, अकेले तो लाइट नहीं आ रही। लाइट नहीं आ रही है? अच्छा, तो आपको जब ये उमस होती है, बहुत ज्यादा गर्मी होती है, तो नींद आ जाती है? काय के नींद आती, अकबका जी और अलग से है, मरे जा रहे, लड़ रही बच्चा और जानी हम और है। आपके बच्चे हैं? बच्चे हाँ, का परिवार है हमारा। उनकी शादी हुई है? शादी नाती बहू है, सब कुछ। तो वो बहू क्या कहती है कि हमें ऐसे गांव में क्यों शादी की हमारी? कहते ऐसे गांव में हमारे बाप मताई ने डार दो, बहुत कष्ट भोग रहे हम। जी हाँ, देखिए ये थी वो मातृ शक्ति। ये निश्चित तौर पर यहाँ पे, जैसे कि उन्होंने साफ शब्दों में बताया कि जो गांव में बड़े लाड़ प्यार से ना जो पाला जाता है, जो बहू यहाँ पे आती है, तो निश्चित तौर पर किसी भी ग्राम में प्रत्येक बहू चाहती है कि उसको हर सुख सुविधा मिले। मैं कुछ और लोगों से बात करूँगा। आप कब से यहाँ रहती हैं? बोलेंगे कोई? कब से? 15 साल से हो गए। आप यहाँ की बहू हैं?
तो कैसा गुस्सा आती है आपको? जी हाँ, निश्चित तौर पर। और जैसा कि आपने देखा, और देखिए मैं आपको बताऊं, यहाँ पे सबसे ज्यादा बुजुर्ग एक हमारी, जहाँ पे एक और हमारे किसान को देवता का दर्जा दिया जाता है, वहीं पर हमारे ये कृषक ऐसी मुसीबत में है, ऐसी दिक्कत में है, जहाँ पे लाइफ के लिए करीब 15 साल से ये कर रहे हैं। UP24 न्यूज से मैं सीटू।